तो ये हमारा पालक पनीर की रेसिपी बनके तैयार है, बिल्कुल स्वादिष्ट। पालक पनीर के लिए हमने 250 ग्राम पालक लिया है, ये अपने खेतों का लिया है हमने, अपने घर का है पालक। और उसे हम उबलते हुए पानी में डालेंगे, पहले पानी को बॉयल कर लेंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया से करने से ये हमारा इसका जो हरापन है वो बिल्कुल रह जाता है, ऐसे नहीं तो बिल्कुल काला हो जाता है। तो पानी को बॉयल करके हम इसे 3 से 4 मिनट तक बॉयल करेंगे, ज़्यादा हम बॉयल नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा बॉयल करने से भी इसका कलर जो है बिल्कुल डार्क हो जाता है, तो हमें इसका कलर भी मेंटेन रखना है। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप थोड़ा सा इसे प्रेस कर दें। तो ये देखिए हमारा फाइनली पालक बॉयल हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। आप चाहे तो बगैर पीसे भी बना सकते हैं, लेकिन पीसने से थोड़ा सा इसका ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनता है। तो हम मिक्सी जार में इसे डाल के अच्छे से पीस लेंगे। इसमें पानी अलग से नहीं डालेंगे, हमने जो निकाला था उसमें थोड़ा बहुत जो पानी है उसी में से हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल पेस्ट तैयार हो गया है। तो पनीर हमने लगभग 200 ग्राम के आसपास लिया है। तो इस पनीर को हम फ्राई करेंगे, आप चाहे तो कच्चा भी बना सकते हैं, उसके लिए हमने एक फ्राई पैन लिया। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है। तो इस पनीर को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनली पनीर फ्राई हो चुका है। आप चाहे तो इस रेसिपी को कच्चे पनीर के सहारे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये फ्राई किया हुआ ज़्यादा पसंद है। तो अब हम उसी तेल में थोड़ी सी जीरा डालेंगे आधी चम्मच के आसपास, और 2 से 3 हरी मिर्च हमने 2 भागों में काटा है, और इसे थोड़ी सी रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज हमने एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है, इस प्रकार के शेप में हमने काटा है। और टमाटर हमने 2 मीडियम साइज़ का लिया है, और हरी धनिया और अदरक 1 इंच का टुकड़ा हमने लिया है। तो ये देखिए हमारा प्याज भी रोस्ट हो चुका है। तो अब हम अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे, जो कि 1 इंच का टुकड़ा हमने लिया था। और प्याज रोस्ट होने के बाद ये अदरक डाल के इसे भी 2 से 3 मिनट भूनेंगे। तो ये फाइनली हमारा प्याज रोस्ट हो चुका है। अब हम मसाला ऐड करेंगे। मसाले हमने आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर, और ये आधी से थोड़ी कम चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ी सी हमने किचन किंग। आपके पास किचन किंग नहीं हो तो सब्जी मसाला भी आप डाल सकते हैं, या तो मीट मसाला का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाला डालने के बाद हम थोड़ी सी पानी ऐड करके इसमें मसाले को अच्छे से भूनेंगे। और बिल्कुल कम मसाले में इतना अच्छा से ये पालक पनीर की रेसिपी बनके तैयार होगी फ्रेंड्स। तो मसाला हमारा भुनने के बाद फाइनली हमने टमाटर ऐड किया है इसमें। टमाटर ऐड करते समय वीडियो हमारा मिस हो गया था। तो ये देखिए हम टमाटर को इस प्रकार से थोड़ी सी प्रेस करके इसका भी पेस्ट बना देंगे इसी में। तो अब हम ऐड करेंगे हमारा पिसा हुआ पालक, जो हमने इसे ग्राइंडिंग किया था। तो ये देखिए कितना अच्छा देखने में, ये बिल्कुल इसका हरापन नहीं गया है। तो इसका सीक्रेट यही है कि हम ज़्यादा इसे उबालें ना, और खोलते पानी में से डाल के 2 से 3 मिनट तक इसे बॉयल करें। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने जो मिक्सी जार में जो धो के निकाला था उसका पानी है। तो ये देखिए इसका ग्रीनरी देखिए। तो अब हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। ये हमारा उबल चुका है, इसका ग्रेवी देखिए कितना गाढ़ी है। तो अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे, जो कि हमने फ्राई करके रखा था। तो ये देखिए हमारा फाइनली इसका ये टच देखिए ग्रेवी का। तो उसके बाद हम थोड़ी सी हरी धनिया से यहाँ पे डालेंगे। तो ये हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें लास्ट में आधी चम्मच के आसपास हम गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करना ना भूलें इस रेसिपी में, क्योंकि गरम मसाला इसमें यहाँ पे डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। वैसे तो पालक पनीर खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। तो ये देखिए फाइनली हमारा पालक पनीर की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए
इसका आप टेक्सचर देखेंगे, आपको टेक्सचर से पता चल जाएगा कि ये कितनी स्वादिष्ट है। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ये देखिए इसका, आपको देख के मुँह में पानी आ गया होगा फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाएं, रोटी के साथ, चावल के साथ, कोई गेस्ट आए तो उसे पालक पनीर की रेसिपी ज़रूर खिलाएं। तो अब गार्निशिंग के लिए हम थोड़ी सी एक पनीर के टुकड़े को इसे कद्दूकस करके इस पर गार्निशिंग कर दिया है। तो ये देखिए हमारा फाइनली मटर पनीर की रेसिपी बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।